इसराइल के हमले से थर्राया लेबनान। ईसाई ठिकाने पर इसराइल ने बम बरसाए। हिजबुल्ला के ठिकाने नेतन्याहू का ऐलान है जंग। रॉकेट से हमला, बमबारी से मौत का मातम। इसराइल ने लेबनान से चुनचुनकर बदला लेने की ठान ली है। लेबनान के ईसाई ठिकाने पर इसराइल ने हमला कर दिया है। इस हमले में 21 लोगों की मौत की खबर है। नेतन्याहू ने जंग का ऐलान करते हुए कहा है कि हिजबुल्ला के सभी ठिकानों को तबाह कर देंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को उत्तरी लेबनान में इसराइल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। इसराइल का यह हमला त्रिपोली में एक ईसाई इलाके एतोई में हुआ। आमतौर पर इसराइल ईसाई इलाके में हमला नहीं करता, लेकिन ताजा हमले से लेबनान में हड़कंप मचा हुआ है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक एतोई में एक अपार्टमेंट में दक्षिण लेबनान से पलायन कराए लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा था। इसी ठिकाने पर इसराइल ने बमबारी कर दी, रॉकेट दाग दिए। खौफ में लोग सहम गए, लाशें बिखर गईं और चारों ओर धुएं का गुबार दिखाई दिया। त्रिपोली लेबनान के सुरक्षित इलाके में गिना जाता रहा है। दावा यह भी है कि इसराइल ने पिछले हफ्ते पहली बार यहां एक शरणार्थी कैंप पर बमबारी की थी। इसराइली सेना ने इस हमले में आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन हमले से कुछ ही घंटे पहले इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बेरूत समेत हर उस इलाके पर हमला किया जाएगा जहां हिजबुल्ला के ठिकाने हैं। जाहिर है इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले का पूरा प्लान बनाया है। उधर इसराइल ने गाजा में भी हमला जारी रखा है। इस हमले में 29 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सूचनाओं के मुताबिक इसराइली सेना ने मंगलवार सुबह दक्षिणी गाजा में सलालदीन मस्जिद पर बमबारी की थी। इसमें 29 लोगों की मौत हो गई। इसराइली सेना ने कहा था कि उसने नागरिकों के बीच छुपे आतंकवादियों को निशाना बनाया, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं दिया। इसराइल ने कई बार भीड़ वाले शरणार्थी शिविरों और तंबुओं में बनाए गए शिविरों पर हमला किया। इसराइल की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि हमास के लड़ाके हमलों के लिए इन शिविरों का इस्तेमाल करते हैं। इन हमलों से कुछ घंटे पहले गाजा पट्टी में एक अस्पताल परिसर पर भी बमबारी की गई। इसराइली हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी डॉक्टर्स के मुताबिक हमले के चलते युद्ध से विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए कैंप में आग लगने से कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उधर तमाम तरह की अटकलों के बीच आईआरजीसी चीफ 2 हफ्ते बाद दिखाई दिए। इनके मारे जाने की सूचनाएं सोशल मीडिया में सुर्खियों में हैं। ईरान के इस्लामिक लिबरेशनरी गार्ड कॉप्स आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी 2 हफ्ते से अंडरग्राउंड थे, अचानक वो सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक उनके इसराइली हमले में मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जनरल इस्माइल कानी सही सलामत नजर आ रहे हैं। इस्माइल कानी मंगलवार सुबह ईरानी टेलीविजन चैनलों पर नजर आए। तेहरान एयरपोर्ट पर वो अब्बास निर्फलुकेशन के शव को रिसीव करने पहुंचे थे। सितंबर महीने में बेरूत पर इजरायली ड्रोन हमले में हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्ला के साथ निर्फलुकेशन की मौत हो गई थी। निर्फलुकेशन बेरूत में नसरुल्ला का ईरानी लीडर खामेनेई का मैसेज देने पहुंचे थे। ताजा हमले से अमेरिका ने भी आंखें थरेरी। व्हाइट हाउस ने पहले की धमकी भी याद दिलाई। अमेरिकी नागरिक पर हमला हुआ तो भुगतेगा ईरान। ताजा हमले के बाद अमेरिका का पारा भी 7वें आसमान पर है। अमेरिका ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने ईरान से कहा है कि अमेरिका कई साल से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी धमकियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। यदि ईरान किसी भी अमेरिकी नागरिक पर हमला करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हिजबुल्ला ने रविवार रात इसराइल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए हैं। घायल सैनिकों में 7 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला राजधानी तेल अवीव से 40 मील दूर बिन्यामिना टाउन में हुआ। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता के मुताबिक कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। हमलावर संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि IDF के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बरसात कर दी गई।
उन्होंने उन जगहों पर विस्फोट किया जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। वे लेबनान पर हमले की तैयारी के लिए योजना बना रहे थे। इजराइल और लेबनान के बीच जंग जारी है। कहीं ड्रोन हमले की बरसात हो रही है तो कहीं आसमान से बम बरस रहे हैं। बहरहाल इजराइल के ताजा हमले में लेबनान का भारी नुकसान हुआ है, कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। सवाल यह है कि यह जंग कब तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।